9 अप्रैल को शाम 5:15 बजे इंदौर के अभय प्रशाल स्टेडियम में सजेगा श्री श्याम कृपा महोत्सव। ज्योत जलेगी, इत्र बरसेगा, उड़ेगा रंग गुलाल, होगी फूलों की वर्षा, देखने लायक होगा मेरे श्याम का भव्य श्रृंगार। आप सभी धर्म प्रेमी जनता परिवार सादर आमंत्रित है। विनम्र भाव से बुला रहे हैं, दिन है रविवार, करने वाला श्री श्याम, कराने वाला श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आयसर वाहन में चोरी करने का प्रयास कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के हुकुमचंद कॉलोनी का है। यहां के रहने वाले अभिषेक शर्मा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी आयसर वाहन घर के बाहर खड़ी हुई थी, जिसमें दो चोर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। फरियादी ने जैसे ही देखा तो उन्हें पकड़ने दौड़ा। आसपास के रहवासियों की मदद से एक चोर को मौके से ही पकड़ लिया, वहीं दूसरा चोर मौके से भाग गया। इस मामले में एक चोर को पुलिस के हवाले किया है, वहीं पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली और उससे पूछताछ शुरू की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चोर पर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। घटना 3 तारीख की रात की है। फरियादी अभिषेक शर्मा ने आकर थाने पर रिपोर्ट की थी कि उनकी जो आयसर गाड़ी है, वो आयसर गाड़ी चलाते हैं, उसको हुकुमचंद कॉलोनी में उन्होंने पार्क की थी और घर के अंदर गए थे। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उनकी गाड़ी में कोई दो व्यक्ति बैठकर और उनका जो वहाँ पे जो अंदर का सामान था आयसर में जो लगा रहता है, बैश ट्यूब वगैरह, उसको खोलने का प्रयास कर रहे थे। उनको आवाज़ जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने चिल्लाया। चिल्लाने पर वो उसमें से एक लड़का तो भाग गया और एक को उन्होंने कॉलोनी वालों की मदद से पकड़ लिया था। उसके बाद वो पकड़ के थाने पे लेकर आए। चोरी के प्रयास का एफआईआर दर्ज की गई है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा तो जो पहले से ही उसके 4 अपराध ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे विभिन्न थानों में इंदौर जिले के, उसको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय से। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।